हेलो बच्चों हाय एवरीवन वेलकम टू अनअकादमी नीट ऑलराइट कितना बच्चा पार्टी लेट्स सी uh, शाबाश आज की स्पेशल क्लास इफ यू रिमेंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट जल्दी से सबको आने दीजिए लेट्स गेट स्टार्टेड इन अ मोमेंट ओके बेटा अब देखो यहाँ पे आज हम इस पहले तो इसकी बात कर रहे हैं

लाइट रिएक्शन के बाद आज हम शुरू करेंगे डार्क रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को मैं रिवाइज करा दूंगी बाई केमी हाइपोथेसिस हर रोज हम इसी को ऐसे सुबह साढ़े ग्यारह पढ़ रहे हैं और रात को आठ बजे हमारा स्पेशल क्लास होती है ऑन दी ऐप एब्सोल्युटली फ्री तो एट पीएम वाली स्पेशल क्लास में सब बच्चे आएंगे नोबडी इज गोइंग टू फॉरगेट दिस एवरीबडी इज गोइंग टू बी देयर स्पेशल क्लास एट स्पेशल क्लास एट 8 पीएम ठीक है प्लस पे क्लासेस होते हैं 5 पीएम एंड यूट्यूब सेशंस आर एट 3 एम एएम 11:30 एम सो दिस इज द स्केड्यूल दैट वी हैव जिसको हम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं कितने बच्चा पार्टी आ गया आई डोंट वांट एनीबडी टू मिस एनीबडी टू मिस दिस तो इसलिए मैं चाहती हूं प्लीज आप लोग सारे अपने फ्रेंड्स को एक बार जल्दी से मैसेज कर दो बेटा

वेट अ डिटेल्ड है ना चैप्टर ठीक है ओके और चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा जी क्या गपे चल रहे हैं इधर गायब हो जाते हो तुम लोग यार गलत बात है बताइए कितने अच्छे हम डिटेल से पढ़ रहे थे एंड सडनली टू डेज आई वांट फोर डेज लिटरली फोर डेज का कमिटमेंट भी नहीं है समटाइम्स इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग चलो बट जितने बच्चा लोग आए उनका नुकसान नहीं होना चाहिए है ना चलो शाबाश लेट्स गो लेट्स गो ओके

काफी आ, हमारे पास एविडेंस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ एविडेंसेस दैट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर थ्योरी ठीक है हाइपोथेसिस तो अब इसको हम आप कह सकते हो एक तरीके से है ठीक तो ना, है ना बढ़िया है हाइपोथेसिस नहीं है काफी अच्छा खासा हमें कॉन्सेप्ट मिल चुका है गिवन गिवन बाय पीटर मिचेल ठीक है पीटर मिचेल ने ये कॉन्सेप्ट समझाया था और इसमें एक तरीके से जी स्कीम का बहुत रोल है मैं दोबारा वही जी स्कीम बनाऊंगी लेकिन इस बार मैं आपको बताऊंगी कि एटीपी कैसे बनता है कल की क्लास में हमने बार बार बोला एन इधर बन गया और प्रोटोन आया ए बन गया प्रोटोन आया एटीपी बन गया टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ दैट हैपन सो केमी ऑसमोसिस के लिए आपको रिक्वायर्ड है वॉट यू रिक्वायर यू रिक्वायर वन टू थ्री फोर थिंग्स चार चीजें चाहिए आपको और एनसीआरटी की भाषा बोल रही हूं मैं पहला आपको चाहिए एक मेमब्रेन यू नीड अ में और वो मेम्ब्रेन आपके लिए एक बैरियर जैसे एक्ट करती है लेफ्ट राइट कॉलम डिवाइड करती है ठीक है फर्स्ट थिंग अब मेम्ब्रेन दूसरा अब प्रोटॉन पंप प्रोटॉन पंप चाहिए आपको ठीक है थर्ड यू रिक्वायर एटीपी सिंथेस ए टीपी जितने बच्चे आज तक क्लास में नहीं आए ठीक है आज रात की आठ बजे वाली क्लास में जरूर आना क्योंकि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथिस का एनसीआरटी थोड़ा ट्रिकी है ठीक है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथिस वाला जो पैराग्राफ्स है वो थोड़े ट्रिकी हैं तो आप लोग आज आठ बजे वाली क्लास में कैसे भी टाइम बना के मुझे नहीं पता आएंगे ठीक है चाहे जिसकी भी एक्सरसाइज की क्लास हो आज की क्लास सबको अटेंड करनी है ठीक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बट पहले इसको समझो लास्ट इज प्रोटोन मोटिव फोर्स प्रोटोन मोटिव फोर्स जिसको हम पीएमएफ बोल सकते हैं या और भी सिंपल तरीके से वी कैन जस्ट से दैट प्रोटोन ग्रेडियंट शुड बी प्रेजेंट क्या होना चाहिए प्रोटोन ग्रेडियंट होना चाहिए बेटा समझे यहां तक लिखा हाँ सो वॉट ऑल इज रिक्वायर्ड दिस इज रिक्वायर्ड ये चार चीजें आपको चाहिए होंगी बढ़िया आप देखो अगला पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव वापस से जी स्कीम का साइट आपको याद है डू यू रिमेंबर जी स्कीम साइट थालाकोइड मेम्ब्रेन में था बेटा वही थालाकोइड मेब्रेन में दोबारा बना रही हूं लुक एट दिस We are going to draw that membrane again. एक तरफ ज्यादा थिकनेस दिखाई थी जस्ट फॉर बट काफी हद तक यही चीज है ठीक यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा अब जिन बच्चों को कल मैंने हमें, uh, कल जिन बच्चों ने जी स्कीम पढ़ लिया था साथ में आज ध्यान से सुन सकते हैं और नोट रेफर कर सकते हैं दोबारा ठीक है लुक एट दिस वी है ल्यूमन साइड है ना पी एस टू का लोकेशन थोड़ा सा ल्यूमन की तरफ था दिस इज Lumen. And ये क्या है स्ट्रोमा और ये क्या है membrane. ठीक है membrane. अब इसके ऊपर लाइट गिरी थी मेरी 680 नैनोमीटर की 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट फॉल्स ऑन पी एस टू विच नीड्स टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स आउटर ऑर्बिट विच इज कैप्चर्ड बाय फियोफाइटिन ठीक है ये क्योंकि इस फोटो सिस्टम में अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो ये फटाफट से रेजोनेट करेगा और नियरेस्ट वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा इन द ल्यूमन सो वाटर इज ब्रोकन डाउन इन टू ल्यूमन बाई हाफ ऑक्सीजन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स ये एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बाहर ये इसको मिल जाता है बच जाता है यहाँ पे प्रोटॉन किसके प्रेजेंस में होता है ये काम दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज आयंस क्लोरीन आयंस एंड कैल्शियम आयंस एंड इस टेकिंग प्लेस एट विच फोटोसिस्टम फोटोसिस्टम टू इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीसिन कैल्शियम एंड इसी को हम क्या कह देते हैं ओईसी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ठीक है पहली चीज जो नोटिस करने की है अब इन केमीस इज की पहली बार ल्यूमन में मेरे पास कुछ ज्यादा ही प्रोटोन्स इकट्ठे होंगे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते जाएंगे उतने ज्यादा मेरे पास प्रोटॉन इधर ल्यूमन में इकट्ठा होता चला जाएगा राइट सो द फर्स्ट रीजन फॉर द प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स कैसे डेवलप होती है इसका पहला रीजन है फोटो दिस ऑफ वॉटर

प्रोटोन इज टेकोन टू पी क्यू एच टू और जब ये वापस लाइक अ प्रोटोन पंप इज नॉट एक्सैक्टली अ प्रोटोन पंप वो बस एक कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है गोल 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 घूमता जा रहा है इट इज नॉट एक्सैक्टली प्रोटॉन पंप किसको मान लिया इसको हमने प्रोटॉन पंप मान लिया से 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 आया ये प्रोटॉन? प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठाया, स्ट्रोमा उठाया बेटा। एक उठाया। किसने प्लास्टोक्नोन ने जिस भी बच्चे को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है प्लीज रेफर क्लास ऑफ जी स्कीम पी क्यू इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोटोन कैरियर है ना ये कैरी करता है आपके पास प्रोटॉन भी पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन भी पकड़ेगा फिर बिकॉज इट हैज़ हैजू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम बी सिक्स एफ आगे उसको भेजना है तो ये प्रोटोन का क्या करेगा अकेलेगा तो ये प्रोटोन को भी नीचे की तरफ रिलीज करा देता है वाया साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स ये दूसरा रीजन है मेरे पास कि मेरे पास ल्यूमन में ज्यादा प्रोटोन कहा से आ रहे हैं द सेकेंड रीजन द सेकेंड रीजन फॉर गेटिंग मोर प्रोटोन्स इनसाइड द ल्यूमन सेकेंड प्रोटोन पंप की वजह से प्रोटोन पंप यहाँ कौन है इट इज नॉट exactly अ पंप बट इट appears लाइक अ पंप ऐसा लगता है कि उसके थ्रू बस ऐसे चलता आ रहा है बस प्रोटोन आता जा रहा है आता जा, जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला काम चल रहा है ठीक है सो यूर प्रोटोन मूव इन साइड दूमन वाइर दिस कॉम्प्लेक्स अब दूसरा कॉम्प्लेक्स ले आते है फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम वन पे साइमल्टेनियसली गिरी थी सेवन हंड्रेड नैनोमीटर की लाइट तो इससे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट आउट होकर बाहर निकला था द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम पी एस वन इज एन आयन सल्फर प्रोटीन जो कि इसको ट्रांसफर करेगा टू ना? वो भी एक आयन सल्फर प्रोटीन है फेरोडॉक्सिन भी यहां जो प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन थे वो पीएस वन को दे दिए जाएंगे तो अगेन द सेम थिंग जी स्कीम इज वर्किंग

NADH H+ plus बोल दो चाहे NADH बोल दो एक ही बात है कल क्लास में शाम शाम को समझाई गई थी ये बात ठीक है इट इज वन इन द सेम थिंग NADH NADH2 NADH H+ plus. ठीक है अब ये तीसरा रीजन दिस इज द थर्ड रीजन दैट वी हैव कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां एक्युमुलेट हो रहे हैं प्रोटॉन्स ग्रेडियंट बनाने के दो तरीके हैं या तो देखो दो दोस्त ठीक है राम और शाम गरीबी की जिंदगी से उठे ठीक है दोनों थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल किए मिडिल क्लास लाइफ पहुंच गए ठीक फिर राम बहुत अमीर हो गया ठीक है उसने इतनी मेहनत करी कि वो अमीर हो गया तो देर इज वन पॉइंट ऑफ वेर यू कैन डू मेहनत एंड बिकम अमीर कि मैं अमीर कैसे फील करूं तो so एक काम करते हैं हम इसको और गरीब कर देते हैं डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड बाई टू मेथड्स

स्ट्रोमा यूजेसोमा यूजेस प्रोटोन टू अ ग्रेडियन डिफरेंस स्ट्रोमा में मेरे पास पीएच काफी डिप कर जाता है अल्कलाइन होता चला जाएगा सो so, स्ट्रोमा का पीएच आप लगभग लगा लो सात से आठ की तरफ है न्यूट्रल टू एल्कालाइन वेर एस ल्यूमन का पीएच दो से तीन चला जाता है टू टू थ्री इतना कम हो जा रहा है पीएच हमारे पास तो वेरी एसिडिक पीएच बिकॉज आई हैव ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड ठीक है जितनी बार पानी टूटा होगा बेटा जितनी बार वाटर का ब्रेकडाउन हुआ उतनी बार प्रोटॉन के पैर प्रोटोन पैर और यहां से आता जा रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं मेरे पास अंदर प्रोटॉन्स ठीक है इस ग्रेडियंट का फायदा उठाएंगे अब जो मेरे को ऑस्मोसिस के लिए तीन चीजें चाहिए थी वो क्या था मेमब्रेन थाइड की मेमब्रेन

ठीक है एफ एन एफ पार्टिकल इज सीन इन माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन यहाँ पे हम कहा बैठे हैं क्लोरोप्लास्ट में तो थोड़ा सा नाम अलग दे देंगे वी विल कॉल इट एज सी एफ वन सी एफ नॉट वी विल कॉल इट एज सी एफ वन एंड सी पार्टिकल ठीक है सी एफ वन सी पार्टिकल विल नाउ वी एक्ट विल स्टार्ट एक्टिंग एज द एंजाइम क्या होता है आप लोगों ने बचपन में झूला पार्क देखा होगा है ना झूला पार्क के अंदर जब आप जाते थे तो एक गेट होता था जिसमें आप एक तरफ से घुसते थे धक्का मारते थे रोल होते थे दूसरी तरफ निकल जाते थे you remember that? आपके पास इधर से आते हो धक्का मारते हो घूम के और दूसरी तरफ निकल जाते हो तो प्रोटोन ये काम करने वाला है इसके पास, बेस में ठीक है इधर क्या काम करेगा प्रोटोन बोलेगा चल बैठते हैं, ठीक है ठीके? बैठा घूमा और दूसरी तरफ निकल गया तो ल्यूमन से बैठा और रोटेट होके रोटेट फ्लिप फ्लॉप नहीं रोटेट ठीक है यही गोल गोल घूम रहा है और उधर की तरफ एग्जिट कर जाता है द द्रोमा साइड इस मूवमेंट की वजह से ये जो नीचे का चक्का गोल गोल घूमा इसकी वजह से ऊपर का जो हेड है उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज होने लगता है ठीक है वो डांस करने लगता है सो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फर्मेशनल चेंज दिस बिकम्स एक्टिव और यही है आपका एटीपी टीपी ये क्या करेगा ये स्ट्रोमा में से एक एडीपी उठाएगा ए सॉरी एडीपी उठाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेड उठाएगा और एटीपी बना देगा इट सिंथेसाइजेस एटीपी टिल द प्रोटॉन ग्रेडियंट लास्ट जब तक ये डिफरेंस बना रहेगा पीएच में जब तक ये डिफरेंस बना रहेगा प्रोटॉन में तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा और एटीपी कंटिन्यूसली बनता रहेगा इसीलिए आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है कि एक जी स्कीम में कितने एटीपी बनते हैं बिकॉज इट्स अ प्रोसेस वी आर गेटिंग ठीक है कितना बन रहा है आपका जी स्कीम से कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये सारे सवाल फोटोसिंथेसिस से नहीं बनते हैं आपके रेस्पिरेशन से बनते हैं हमारे रेस्पिरेशन में मैं बताऊंगी कि कितना क्या कैसे एटीपी ठीक है तो यहां पे क्या हुई कहानी दैट वी आर जस्ट गेटिंग टू नो वॉट आर वी गेटिंग टू नो कि मेरा ये प्रोटोन इसमें बैठा और इधर से निकल लिया बार. ये बार, इसके मूव करने की वजह से ये एक्टिवेट होता है फंक्शनिंग समझनी है तो कुछ कुछ ऐसी दिखाई देती है देखो कैन यू सी वो छोटा सा पार्टिकल जो निकला ये देखो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ये प्रोटॉन है ये निकल गया इधर से प्रोटॉन ठीक है शाफ्ट के नीचे ये हेड आ जाता है इसका यू विल हैव एंट्री ऑफ दिस और यहां से निकलेगा एटीपी प्रोटॉन बैठा वो देखो कैसे मोटर के जैसे गोल गोल घूम रहा है ऊपर रेड रेड वाला वाला पार्ट वाला पार्ट दैट इज एफ नॉट वन दिखता है वो जीरो है जो जीरो जैसे दिखता है वो वन है ठीक है, है. ये प्रोटॉन इधर बैठ के इधर से निकल गया अब आप यहां देखो यहां से एंट्री मारेंगे देखो दो छोटे छोटे एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी रिलीज इज आउट ठीक है क्लियर बेटा देखा हाँ सो दिस इज हाउ एन एटीपी वर्क्स क्लियर ये लिख लो प्लीज डन एवरीबडी ठीक है बेटा और आपकी वो स्पेशल क्लास ऊपर पिन हो गई है बच्चा स्पेशल क्लास इज पिनड ऊपर ठीक है मैं साइड एक बार लिख लो पूरा बोर्ड भरा हुआ है फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा गायब हो जाएगा हम्म ओके नाउ नाउ वी मूव टू द डार्क रिएक्शन पार्ट अगर लाइट रिएक्शन को एक बार समरी में लेके आ जाए तो हमारे पास डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन से लाइट रिएक्शन से हमारे पास बन जाता है एटीपी वाया ऑस्मोसिस साथ में काम करता है किसके जी स्कीम एज वेल एज साइक्लिक नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों में वो प्रोटॉन अंदर जा रहा था ना यहाँ से एक्यूमुलेट होगा एटीपी यहीं से बनेगा एटीपी का सिंथोसिस एटीपी सिंथेस कर रहा है और एटीपी सिंथेस विल ओनली वर्क विद केमिओस्मोसिस केमिकल का ऑस्मोसिस हो रहा है ठीक है तो हमारा रिजल्ट क्या आया लाइट रिएक्शन का लाइट रिएक्शन के रिजल्ट आया ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट की तरफ पहले ही निकल लिया था बाई बाय बाय NADPH2 and ATP. This NADPH2 and ATP are called as assimilatory power. Okay? Assimilatory power, which is going to be used now in dark reaction. So, our topic dark reaction. Dark reaction. Now, dark reaction is interesting. डार्क रिएक्शन इज अस नॉर्मल मिस नॉर्मल का मतलब होता है गलत बोल दिए हो ठीक है मोटू को पतला पतलू को मोटा बचपन में नाम दे दिया छोटू छोटू हो गया फुट लंबा, नॉर्मल देखे मैं इतना लंबा एक क्या गड़बड़ है नाम गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है एक ट्विस्ट ले आया बे मतलब। सो डार्क रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट कैन नॉट टेक प्लेस

It is इज dependent on products of light reaction. Products of light reaction, ठीक है और लाइट रिएक्शन लाइट में चल रहा है तो उसके साथ साथ ही उसके प्रोडक्ट्स को यूज करता चलेगा ठीक है सेकेंड तो इसी चीज को हम यह भी कह सकते हैं दैट इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है इन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट ठीक है और सेकेंड वाला पॉइंट जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वो ये है कि हमेशा आप देखोगे कि लाइट का एक हीटिंग इफेक्ट होता है टेम्परेचर भी थोड़ा इंक्रीज करता है ना लाइट आएगी धूप सनलाइट निकल आती है तो आपको धूप में गर्मी भी थोड़ी आती है सो so, जो हीटिंग इफेक्ट है लाइट का उसकी वजह से एक टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है एंड दैट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ अलॉट ऑफ एंजाइम्स एंड फंक्शनिंग ऑफ अलॉट ऑफ एंजाइम्स सो लाइट के प्रेजेंस में जो टेम्परेचर चल रहा है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम फंक्शनिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम फंक्शनिंग क्लियर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे हमने बोला डिपेंडेंट ऑन ऑफ लाइट रिएक्शन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यूज एन ए डी पी एच टू एंड ए टी पी आप ऑक्सीजन नहीं यूज करोगे दीज आर कॉल्ड एसिमिलेटरी और ठीक बेटा लिख लिया चले आगे अब साइट ऑफ डार्क रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या थर्ड पॉइंट साइट ऑफ डार्क रिएक्शन द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन दैट वी हैव इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा तो आप ये भी देखो लाइट रिएक्शन चाहे थैलेक्इड में बनता हो लेकिन आप दोनों में देखो एटीपी और एनएडीपीएच टू कहाँ बन रहे हैं स्ट्रोमा में बन रहे हैं बेटा है ना आपका एन ए पी एच टू एज वेल एज योर एटीपीथ टूवर्ड स्ट्रोमा दिमाग है ना यही पे अगर इन दोनों को ये ल्यूमन में रख देता तो पोपट हो जाता है ना तो इसने दिमाग लगाया कि भाई स्ट्रोमा में चाहिए होगा तो स्ट्रोमा में हम पहले ही भेज देते हैं ऐसे क्या बात कर दें आपने होम डिलीवरी होएगा काम का ठीक है सोसाइट स्ट्रोमा वाई बिकॉज ऑल दी एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ठीक है अब शुरुआत करते हैं थोड़े डार्क रिएक्शन की वॉट इज इट डूइंग सबसे कॉमन प्रोसेस ऑफ अ डार्क रिएक्शन साइकिल साइकुल साइकिल लल ला, 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 ला इसके लिए अलग पेज ले लेना बेटा ठीक है डार्क रिएक्शन अगर आपका आधे पेज में लिखा भी हुआ है यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस लेफ्ट लीव दैट स्पेस छोड़ दो बहुत चीजें होंगी बहुत जगह पे यहां पता चल जाएंगी काफी चीजें हमें ऐड करनी है कर देंगे हम डोंट वरी ठीक है ठीक है विनीत थैंक यू बच्चा नहीं ये लैंडस्केप में नहीं बेटा ये सीधा ही जाएगा लैंडस्केप में तुम लोग बड़ा गंदा कर देते हो कभी कभी खिचड़ी विचड़ी बन जाती है पूरी चलो कैलविन साइकिल कैलविन नाम कहाँ से आया हमारे साइंटिस्ट अंकल थे एकदम मस्त मेलविन कैलविन मेलविन कैलविन एक, एक इंसान है ठीक है मेलविन कैलविन अंकल ये कहानी हमारी है वर्ल्ड वॉर टू के आसपास की जब रेडियो एक्टिव कंपाउंड बोले भाई ये क्या जहर मिल गया है बम फोड़ दे तुम यहां वहा इसका तो हो गया काम बिकॉज एवरी टेक्नोलॉजी एवरी थिंग टू साइड्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक अच्छा डॉक्टर स्ट्रेंज एक गंदा डॉक्टर स्ट्रेंज है ना होता है ना हमारे पास तो एवरीबडी अ बैड तो सिमिलरली रेडियो एक्टिव कंपाउंड का हमें बैड तो दिख रहा था गुड पार्ट नहीं दिख रहा था धूम इस पे पे बम बम उस म्यूटेशन दुनिया तो उसको एक अच्छे तरीके से यूज करते हैं मेलविन कैल्विन ने एक साइकिल डिड्यूस करी एंड दैट साइकिल इज कैलविन साइकिल द मेन कोर साइकिल ऑफ एनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन प्लांट्स ठीक है बहुत बड़ी चीज है ये इतनी बड़ी चीज लगती नहीं है ऐसे जैसे कि आपको किसी ने जैसे आपके हार्ट की फंक्शनिंग बता गया हो कोई इतना इंपॉर्टेंट काम है ये प्लांट के लिए मेन काम ऑफ प्लांट फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड सो दिस लाइक द हार्ट बीट ऑफ प्लांट ठीक है अब मेलविन कैल्विन हमारे लिए क्या कर रहे हैं मेलविन कैलविन ने एक पाथवे डिजाइन किया उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऑब्वियसली इट इज नॉट नेवर ऑफ वन सिंगल स्टेप थिंग बहुत मस्त एक बड़ा पाथवे मिला है उसके अंदर तीन स्टेप्स हैं वी सी पहली बात तो दिमाग में ये डालो कोई भी पेड़ है हरा रंगीन नारंगी जैसा पेड़ है ठीक है एनी टाइप प्लांट प्लांट्स विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड दे विल फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इफ दे आर फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड उनके बॉडी में कहीं ना कहीं कैल्विन साइकिल चल है ठीक है कहीं ना कहीं क्यों मैम अभी तो आपने बोला स्ट्रोमा तो अभी तक तो तुम मान के क्या लोगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा बिल्कुल ठीक है कुछ गलत नहीं है इधर हंड्रेड परसेंट करेक्ट तो कैलविन साइकिल साइट स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ठीक है दूसरा सीन इन All plants, ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसमें कैलविन साइकिल चला नहीं ठीक है ना इन कैलविन साइकिल हमारे इजी हमें बनाने हमारे लिए बहुत ईजी करते हैं एनसीआरटी ने साइंटिस्ट लोग ने साइंटिस्ट लोग बड़े बड़ के सब बता देते हैं हमारे एनसीआरटी हमारे लिए खड़े दीवार बन के बोले नहीं इतना सारा नहीं पढ़ाएंगे हम बच्चों को बोला okay. ओके कुछ स्टेट बोर्ड की किताब में कैलविन साइकिल आज भी पूरे डिटेल्स में है इट इज अ ट्वेल्व इट्स अ बिग साइकिल और वो उन बच्चों के पास है और उनको शायद बोर्ड्स के लिए पढ़ना भी पड़े लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे और नीट एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हो यू डोंट हैव टू गो द डिटेल्स ऑफ कैलविन साइकिल ईजी बनाने के लिए एनसीआर ने कहा कि भाई देखो ऊपर ऊपर होती है इतनी बात ऊपर ऊपर ये बात है कि कैलविन साइकिल के अंदर हमारे पास है Main stages. We have three main stages, and these three stages are one carboxylation, carboxylation, reduction, and regeneration. जेनरेशन ठीक है रिडक्शन एंड रिजेनरेशन ठीक साइकिल पर हम आएंगे लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि मेलविन अंकल का मेन रोल क्या था उन्होंने ऐसा क्या कर दिया सो वट मेलविन कैलविन डिड वॉज ही टू कैन रेडियो एक्टिवाइज टू टॉप ऑफ कार्बन रेडियो एक्टिव isotope of carbon that is C14, carbon 14. ठीक है कार्बन 14 जो उन्होंने लिया उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया बाय ऑब्वियसली आप प्लांट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो है ना आप प्लांट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको कौन चाहिएगा एक ग्रीन प्लांट चाहिएगा आप बड़े पेड़ हम इसलिए नहीं लेते बिकॉज देर नॉट वेरी इजी टू वर्क विद हम ज्यादातर जब भी ग्रीन प्लांट्स में फंक्शनिंग पढ़ते हैं हम क्लोरोफाइसी की तरफ भागते हैं क्लोरोफाइस ग्रीन आलगा ठीक है तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराना शुरू किया ऑन एंड क्लोरेला ठीक है सेनेडेसमस एंड क्लोरेला दोनों के दोनों कौन है बोथ ऑफ देम आर ग्रीन आलगा क्लोरोफाइसियन मेंबर्स आयो

बहुत बड़ा पाथवे है उसको हमने तीन स्टेजेस में डिवाइड किया है व्हाट आर द्री स्टेजेस कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन एंड रीजनरेशन अब इंटरेस्टिंग बात सुनो जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा तो आर यू बी पी आर यू बी पी यहां लिख रही हूं मैं रिब्यूलोस बिस फॉस्फेट कहीं कहीं पे आर यू डी पी के नाम से भी होता है डाइफॉस्फेट भी बोल सकते हो ठीक है तो रुबिलोज बिस फॉस्फेट विच इज अ फाइव कार्बन कंपाउंड ठीक है ये भाई साहब जाके कंबाइन हो जा रहे थे विद एटमोस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर पानी एंटर किया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंजाइम द मोस्ट एंजाइम, जिसका बचपन से आप नाम सुन रहे हो रूबिस्को रूबिस्को चचा, आ गए रुबिस्को की फुल फॉर्म रूबिस्को इज रुबिलोस बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रुबिलोज बिस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस क्योंकि इस एंजाइम के पास दो सुपर हैं इट कैन फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज इट कैन फिक्स ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ता है और ये ऑक्सीजन को भी पकड़ता है इसकी बाकी कहानी हम अभी समझेंगे ठीक है तो पहली बात तो रुबिस्को ने क्या किया आर यू बी पी उठाया एक कार्बन हवा से उठाया और उसको फिक्स कर दिया अब हमें लग रहा है छह कार्बन बनना चाहिए ना लेकिन नहीं हमारे पास बनेंगे दो मॉलिक्यूल ऑफ थ्री ग्लिसरिक एसिड जिसको आप बड़े प्यार से आगे जाके बोलोगे थ्री पी जी ए दिस इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड पांच और एक छह होते हैं.

कार्बन चिपका होगा वो कितने कार्बन का होगा ठीक है आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है टोटल तीन कार्बन का उसमें से एक आपने प्रोवाइड किया था इसका मतलब जो सबस्ट्रेट है वो दो कार्बन का है द सबस्ट्रेट दैट यू हैव इज ऑफ टू कार्बंस अब ढूंढ ले जाए दो कार्बन कंपाउंड कौन सा दो कार्बन कंपाउंड कौन सा मिली नीरा कैल्विन साइकिल स्टार्ट इन पता ही नहीं सर स्टार्टिंग कंपाउंड कौन सा है बाद में ये चीज रिड्यूस हुई कि ये ऐसा नहीं हो रहा है जैसा हमको लग रहा है इट इज नॉट अ टू कार्बन कार्बन कंपाउंड जिसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है और वो से टूट के तीन तीन के तीन-तीन दो में हो जाता है सो आई सिक्स कार्बन बट थ्री थ्री डिफरेंट इन डिफरेंट चेन्स दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ये आता है सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप एंड दिस carboxylation because this is the step where carbon dioxide fixation takes place the most crucial step the most crucial step take okay. a of calvin cycle clear डन ठीक चलो अब क्योंकि इंटू टू हम एक बार कर चुके हैं अब इंटू टू इंटू टू ही लेके जाएंगे आगे ठीक थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रायोस फॉस्फेट और ये फॉस्फेट कौन है ये फॉस्फेट हमारे पास आ जाएगा थ्री फॉस्ल एल डी इसको आप प्यार से बोलेंगे थ्री पी जी ए एल थ्री पी जी ए एल ठीक है एक इंटू टू को छोड़ दो अभी एक थ्री गेट्स कन्वर्टेड इंटू वन थ्री पी जी ए ठीक है एक के कन्वर्जन के लिए आपको चाहिए एक ए और एक दो ए और एक एन ए डी पी एच टू हाँ ठीक है लगभग हमारे पास आ जाता है ऐसे ठीक है फॉर वन हाउ मेनी डू वी हैव इनटू टू इनटू टू तो ये जो कन्वर्जन मेरे पास हो रहा है इस स्टेप पे कौन यूज होगा इस स्टेप पे कौन यूज होगा इस स्टेप पे यूज होगा एटीपी प्लस एन ए डी पी एच टू अब बेटा सुनो मेरी बात एक के कन्वर्जन के लिए एक तो दो है मेरे पास मॉलिक्यूल दो के कन्वर्जन के लिए दो ठीक है और ये एटीपी और एनएडीपीएच टू कहां बना था लाइट रिएक्शन में बना था ठीक है तो फॉर वन आई नीड वन लेकिन फॉर टू मॉलिक्यूल्स आई विल रिक्वायर दो ए और दो एन ए दो एटीपी और दो एन ए डीपीएच टू विच विल बी ब्रोकन डाउन इन टू दो एडीपी प्लस दो इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस दो एन ए डी पी प्लस ये वापस जाएंगे फिर क्या करने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेने एनर्जी लेने लाइट रिएक्शन में

का डार्क रिएक्शन स्टेज है अगेन रिडक्शन फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन द सेकेंड स्टेज इज रिडक्शन अब यहां से कुछ अमाउंट चला जाएगा फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस सिक्स कार्बन कंपाउंड चला गया और ये ट्रायोसफॉस्फेट घूम के बैक टू आरयूबीपी यहां से कुछ अमाउंट आरयूबीपी बनाने जाएगा और उसको हम बोलेंगे रीजेनरेशन रीजनरेशन स्टेज जहां पे हम आर वापस बनाएंगे ठीक है बाय यूजिंग वन एटीपी मॉलिक्यूल आप फिर से एक एटीपी यूज करोगे और आप एक इनऑर्गेनिक फॉस्टफेड और एडीपी रिलीज करोगे ठीक है द थर्ड स्टेज दैट द रीजनरेशन ऑफ आर यू बी पी दिस इज ब्रॉडली योर ऊपर ऊपर से कैलविन साइकिल डिटेल ऑफ कैलविन साइकिल ऑब्वियसली देखो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे वट यू सी हियर इज दैट वन कार्बन डाइऑक्साइड इज बींग फिक्सड है ना एक कैलविन साइकिल चलता है तो आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके देता है सो सपोज दैट वन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं इन वन साइकिल हाउ मेनी एटीपीआर एंड हाउ मेनी एनएडीपीएच आर यूज जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो एटीपी टोटल कितने इस्तेमाल हुए एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए और कितने एनएडी टू लगे हां जी कितने ए टीपी बेटा हाउ मेनी ए टीपी एंड हाउ मेनी एन ए डी एच टू दो ए टीपी एंड सॉरी तीन ए टीपी दो इधर एक ये वाला थ्री एटीपी एंड टू एन ए डी पी एच टू नाइट्रोएक्शन में रिक्वायर्ड है लेकिन कहीं ये गलत नहीं हो गया सोच के देखो ऐसा तो नहीं है ना कि जब मैं शुगर बनाऊंगी ग्लूकोज बनाएंगे हम तो ऐसा नहीं है कि हम प्लांट से पांच कार्बन मांग लें और बाहर से सिर्फ एक ही कार्बन लें दैट मींस फॉर ग्लूकोस सिंथेसिस पूरा सिक्स कार्बन का एक कंपाउंड बनाने के लिए मुझे इस साइकिल को छह बार चलवाना पड़ेगा दिस साइकिल विल रन सिक्स टाइम्स अब ये भी बात अजीब है मैम एक कार्बन ला के पकड़ के बैठेंगे फिर अगला फिक्स होगा फिर दूसरे को बैठेंगे फिर तीसरा बैठेगा नहीं एक साथ छह आर यू बी पी पहुंचेंगे उनको सबको कार्बन दिया जाएगा तो मास प्रोडक्शन हो रहा है फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस फॉर वन ग्लूकोज सिंथेसिस दिस साइकिल रन सिक्स टाइम्स क्योंकि मुझे छह के छह कार्बन बाहर से लेने हैं। ऐसा थोड़ी प्लांट दे दे भाई तू दे दे तीन तीन में बाहर से पिक कर लूंगा ऐसे नहीं होता है आई हैव टू पिक ऑल द सिक्स कार्बन फ्रॉम एट मॉस्ट फो इसको यही रोक रही हूं मैं आगे देखो फॉर सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू बी फिक्स छह कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड के लिए छह आर यू बी पी मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे सिक्स कार्बन के ना ये सॉरी फाइव कार्बन क्या फाइव कार्बन कंपाउंड छ मॉलिक्यूल पहुंचते हैं छ्बन के छ मॉलिक्यूल्स पांच कार्बन के छह मॉलिक्यूल्स पहुंच रहे बाहर से छह कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर दिया आपने आर यू बी पी विल ब्रेक डाउन इन टू थ्री बेटा एक मॉलिक्यूल पी का दो पीजीए में टूटता है तो छह मॉलिक्यूल आर यू पी के कितने थ्री पीजीए में टूटेंगे जल्दी कॉमन सेक्शन एक मॉलिक्यूल आर पी का अगर पीछे याद है ब्रेक्स इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री पीजीए 6 here. 6 से कर रहे हैं हम छूपीपी मॉलिक्यूल जो टूटेंगे वो कितने थ्री ए बनाएंगे ट्वेल्व गुड बारह ये बारह के बारह कन्वर्ट होंगे ट्वेल्व इंटू थ्री पी जी ए एल फॉस्फोगन स्टेप ठीक है बारह एटीपी बारह एन ए डीपीएच टू लगेंगे यहां क्योंकि एक के लिए एक एटीपी एक एन ए टू लगता है तो बारह के लिए बारह एटीपी बारह एनडीपीएच टू लगेंगे इस स्टेप पे रीजनरेशन ट्वेल्व एटीपी प्लस ट्वेल्व एनएडीपीएच टू नाउ दिस थ्री पीजीएल बारह मॉलिक्यूल है इसमें से दो निकाल दो मॉलिक्यूल दो निकाल दो थ्री पीजीएल गो फॉर सिंथिस ऑफ ग्लूकोज और बन में जाएगी बात क्यों क्योंकि ग्लूकोस ए सिक्स कार्बन कंपाउंड और ये तीन कार्बन कंपाउंड है अगर मैं दो तीन तीन के भेज देती हूँ तो छेगा बारह में से सिर्फ दो मॉलिक्यूल थ्री पी जी एल के आगे जाते हैं ग्लूकोज सिंथिस के लिए द रेस्ट ऑफ द टेन थ्री पी जी एल गोज बैक टू फॉर्मेशन ऑफ आर यू बी पी ठीक है दो मॉलिक्यूल तीन तीन के छह कार्बन का बना देंगे दस मॉलिक्यूल तीन तीन के तीस कार्बन होता है टोटल थर्टी कार्बन हो गया ना टोटल मेरे पास तीस कार्बन होता है टोटल यहाँ इज ऑल्सो थर्टी तीस कार्बन ही चाहिए मुझे तीस कार्बन, कार्बन ही चाहिए मुझे रीजनरेशन के लिए तो ये तो एक्चुअली हमने सारा कुछ कन्वर्जन देख ही लिया लेकिन कार्बन के लिए कार्बन को फ टू इंू सिक्स दैट इज एटीन एटी एंड ट्वेल्व एन ए डी पी एच टू आर यूज दैट इज फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल समझे मेरी बात को लिख लिया बेटा इज कैलविन साइकिल क्लियर? ठीक है द नेक्स्ट हाँ अब देखो मस्त बात क्या है मस्त बात यह है कि पूरे कैलविन साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए भी आपको 18 एटीपी चाहिए 12 एन टू चाहिए यू कंपेरेटिवली नीड मोर एटीपी हाँ यू कंपेरेटिवली नीड मोर एटीपी सिंस यू नीड मोर एटीपी आपके पास एटीपी बनाने वाला प्रोसेस भी होना चाहिए अब एटीपी बनाने वाला प्रोसेस कौन सा है विच इज द प्रोसेस दैट फॉर्म्स एटीपी

नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यहाँ है थोड़ा सा झोल चलो अब ये समझते हैं अब रुबिस्को की कहानी समझो रुबिस्को को बहुत पसंद है कार्बन डाइऑक्साइड लाइक आई लव यू कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो उसकी जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है बहुत खुश है उससे रुबिस्कोस थॉट कि यार बहुत सही है कार्बन कार्बन हवा में चलो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से काफी खुश है वो लाइक्स कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन ऑक्सीजन प्रकट हो गया जिंदगी में ठीक है अब अगर आप रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देते हो ऑक्सीजन कम देते हो तो खुशी खुशी कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा लेके जाएगा लेके जाएगा लेके जाएगा ठीक है लेकिन अगर एक पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की बराबर आ जाए सोचो इक्वल तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेके जाएगा पुराना अच्छा दोस्त है उसका ठीक है लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को नीचे ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन को फिक्स करने लगेगा एंड दैट इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन की कहानी हमारी जुबानी आप अभी सुनेंगे फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाती हूँ मैंने कैलविन बाद में पढ़ाऊंगे सॉरी uh, सी फोर बाद में पढ़ाऊंगी आज पहले तुम फोटो रेस्पिरेशन ठीक है क्या बोला मैंने कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जब तक हाई कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन के बराबर भी है तब भी क्या चलेगा तब भी चलेगा हमारा कार्बोक्सिलेज वाला एंजाइम लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करता है वो ऑक्सीजन फिक्स करने लगता है कधा अब ऑक्सीजन फिक्स करने लगोगे बैठे बैठाए क्या करेंगे तुम्हारा यार ठीक है तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने रखा था तुम बाहर से जाकर ऑक्सीजन उठा के ला रहे हो ऑक्सीजन थोड़ी फिक्स करना भाई प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जो C3 थ्री प्लांट्स में है विच इज दिस साइकिल दिस C3 थ्री साइकिल सी थ्री साइकिल कैलविन साइकिल को क्यों बोलोगे बेटा आप यू कॉल दिस एज C3 थ्री साइकिल बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड पहला स्टेबल कंपाउंड इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड C3 थ्री साइकिल इसलिए बोलते हैं हम इसको ठीक है किसी भी प्लांट में अगर सोल सिर्फ एक ही पाथवे है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एंड दैट इज कैलविन साइकिल या सीथरी साइकिल तो उसकी जिंदगी में एक दुख जरूर होगा आप बात करके रखना वो जरूर बोलेगा भाई यार ये ऑक्सीजन ले आता है ज्यादा इसको कार्बन डाइऑक्साइड भेजा था लेने ये भाग भाग के ऑक्सीजन ले आता है सो द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट ठीक है एंड वॉट इज दैट प्रॉब्लम वी विल डिस्कस अबाउट दैट फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन फोटो मीन्स लाइट फोटो का मंजा मंजे लाइट रेस्पिरेशन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो रिलीज ऑफ एनर्जी बहुत सारा एनर्जी भी तो बनती है

हाई अमाउंट में एनर्जी जो रेस्पिरेशन से रिलीज होती है वो काम भी नहीं कर रहा ढंग से सो फोटो रेस्पिरेशन बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर इन प्लांट्स दैट हैव ओनली कैलविन साइकिल रनिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फॉर कार्बोक्सिलेशन एंड इज नो अदर पाथ फॉर इट ठीक है तो हमारा प्यारा रूबिस बैठे बैठाए भरी दिन में दोपहरी में जहाँ उसको ज्यादा फोटो करना चाहिए था प्लांट को बैठ के फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो गया है क्यों क्योंकि एटमोसफियर में उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन मैम ऑक्सीजन तो वैसे हमारा बाईस इक्कीस परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज इन जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट चल रहा है ऑब्वियसली एनवायरमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ही होगा ऑक्सीजन तो ये पूरा ही टाइम क्यों ऑक्सीजन एक्टिविटी नहीं करता है आया दिमाग में जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इज पता नहीं कितना टाइम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा ही रहेगा नो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट के आसपास प्लांट के आसपास पूरी दुनिया में नहीं तो प्लांट के पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी चल रहा है बैकग्राउंड में वो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से रिलीज कर रहा है ठीक है so it is around the plant around the leaf it is not in the atmosphere completely pura nahi yes effect aayega tabhi problem bhi aa rahi hai kya problem aa rahi hai baithe baithaye jahan hame normal carbon dioxide fixation karna tha ab bola c3 plant ki bole are bhai nahi photo respiration karenge kya hota hai photo respiration mein photo respiration light के presence में carbon dioxide का release हो रहा है जबकि light के presence में carbon dioxide का fixation होना चाहिए था है ना तो दिस प्रोसेस दैट वी नो ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज वन अ वेस्टफुल प्रोसेस वाई डू कॉल दिस अ वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज वन नो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन लाइट के प्रेजेंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं हो रहा है दूसरा नो एनर्जी प्रोड्यूस्ड ठीक है आप ज्यादा बेटर वर्ड है नो नेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड नेट एनर्जी मतलब अगर बनी भी होगी तो यूज होगी ये भाई नो नेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड थर्ड फिक्स्ड सीओ टू रिलीज्ड फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा रहे हैं एंड वी आर यूजिंग एटीपी एनर्जी यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में रिलीज करा रहा है भरी दोपहरी में दिन में जहां फोटोसिंथेसिस होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होना चाहिए था सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए ठीक है सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ वेस्टफुल प्रोसेस इसको हम बोलते हैं C2 टू साइकिल भी दिस इज ऑल्सो नोन एज योर पी सी ओ साइकिल ठीक है फोटो कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन साइकिल कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका लेकिन ज्यादा कॉमन नाम इसके वेस्टफुल में ही है ठीक है ना वेयर विल इट टेक प्लेस फोटो रेस्पिरेशन होगा कहाँ देर थ्री ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व थ्री ऑर्गेनली इन्वॉल्व पहला क्लोरोप्लास्ट यहां कहानी शुरू होती है सेकंड पेरोक्सिजोम्स पेरोक्सिजोम्स, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है ये प्रॉब्लम बता रही हूं मैं सी थ्री का ठीक है कुछ लोग इसको डार्क रिएक्शन में कंसिडर कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं बट आई एम टेलिंग यू इज मेन पाथवे चलता है और सीथरी के लिए जो मेन एंजाइम है हमारा द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड को उसकी थोड़ी सी बेवकूफी है वो बेवकूफी समझा ठीक है एंड दैट लीड्स टू फोटो रेस्पिशन ना फोटो प्लेस इन थ्री ऑर्गेनलीज ऑर्गेनालीस क्लोरोप्लासिजो एंड माइटोकॉन्ड्रिया नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पार्ट इज क्वेश्चन आया था दो हजार चौदह का क्वेश्चन है नीट पुराना क्वेश्चन है 2014 नीट का क्वेश्चन है जिसमें पूछा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑफ़ फोटो रेस्पिरेशन फोटोरेस्पिरेशन में यूज आने वाले जो ऑर्गेनलीज हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है और एक भी ऑप्शन चार ऑप्शन चारों में से एक भी ऑप्शन में करेक्ट सीक्वेंस नहीं था ज द करेक्ट सीक्वेंस क्लोरोप्लासिजम्स माइटोकॉन्ड्रिस इज द करेक्ट सिक्वेंस लेकिन ऑप्शन में एक भी नहीं है जिसमें करेक्ट सीक्वेंस दिया हूं बट दे वन ऑप्शन जिसमें ये तीन ऑर्गेनली है बाकी किसी में गोलजी है किसी में ई आर है किसी में वैक्यूल है चार में से कोई भी ऑप्शन सीक्वेंस में नहीं है जबकि क्वेश्चन पूछा ही ये है कि सीक्वेंस क्या है करेक्ट बट लकीली वी डोंट हैव एनी ऑफ द जिसके अंदर की करेक्ट ऑर्गेनली भी दिए हो किसी में ई ER आर है किसी में गोलजी वन ऑप्शन विच ऑर्गेनली सो आंसर हो जाएगा बाई डिफॉल्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर एटलीस्ट ऑर्गेनली तो सही दे दो सिक्वेंस छोड़ दो तुम ठीक है अब आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ द पाथवे एन में नहीं है क्योंकि और कल मैंने ये स्पेशल क्लास में प्रूव कर दिया था कि कोमल हम पढ़ा रहे हैं तो नोट्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ वो एन में है सिर्फ माथवे के नाम से नहीं है डायग्राम नहीं होगा लेकिन हर चीज़ है ठीक है वही दिस दिस इन येस्ट आठ बजे वाला जब हमने एन रीडिंग करी थी मैंने एक एक पॉइंट दिखा दिया था आपको जी स्कीम में बोला हुआ जो मैंने क्लास में पढ़ाया था ठीक है सो यू विल ड्रॉ दिस इन लैंडस्केप मोड और अगर थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि मैम कैसे बनेगा क्या बनेगा तो थोड़ी देर रुक जाओ चाहे एंड में बना लेना ठीक है ओके वे स्टार्टिंग विद द ऑर्गेनली सबसे पहले हम ले आते हैं अपना क्लोरोप्लास्ट जस्ट गोइंग टू ड्रॉ इट विद ग्रीन डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है ना बस मैं बना दे रही हूँ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है फिर आता हमारे पास पेरोक्सीजोम्स और लास्ट में आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है सो द फर्स्ट क्लोरो प्लस्ट सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया। चलो करें शुरुआत शुरुआत पहले ही पॉइंट पे गलत हो जानी है जैसे कि आर यू बीपी आपको चाहिए आर यू बीपी विच इज अ फाइव कार्बन कंपाउंड ये महाशय बाहर से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे तो तीन तीन के दो में टूटते थे है ना लेकिन अब कौन आ जाएगा अब आएगा ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को रुबिस्को क्या कर रहा है अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चला के दे रहा है इसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है ठीक है तो अब मेरे पास ऑक्सीजन आया तो पांच कार्बन का पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड और लेता था तो तीन तीन के दो में टूटता था अब पांच ही कार्बन है तो तीन और दो में टूटेगा ठीक है सो इट विल ब्रेक इन टू अ मॉलिक्यूल ऑफ टू कार्बन दैट इज थ्री फॉस्फो क्या हो रहा है भाई तू हिल क्यों रहे हो ग्लाइकोलेट एंड थ्री पी जी ए वो इन फॉस्फो गिक एसिड दिस इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड दिस इज अ टू कार्बन कंपाउंड ठीक है बेटा अब ये टू फॉस्फो गोलेट विल गेट कन्वर्टेड इन टू ग्लाइकोलेट टू कार्बन कंपाउंड ठीक है ये ग्लाइकोलेट में से क्या हट गया है फॉस्फेट हट गया है इसके सेकेंड कार्बन पे फॉस्फेट था तो आप फॉस्फेट जाता हुआ हो दिखा सकते हो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टाटा बाय बाय गॉन कौन जल गया ठीक है ये अब ग्लाइकोलेट को हम ट्रांसफर करा देंगे इनटू पेडोक्सीजोन ग्लाइकोलेट बनता कहाँ है क्वेश्चन कैसा आता है ग्लाइकोलेट कहाँ बनता है क्लोरोप्लास्ट में बनता है स्ट्रोमा में कहा चला जाएगा पेडोक्सीजोन में इट मूव्स टू पेडोक्सीजोन ग्लाइकोलेट गेट्स कन्वर्टेड इंटू ग्लाइ ऑक्सीट ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट प्लस एच टू ओ टू और इस टाइम पे आपका बेटा एक ऑक्सीजन और एंट्री मारेगा आपका ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन एंट्री मारेगा किधर पेरोक्सीजोम्स में आप देखो अभी तक दो ऑक्सीजन यूज कर चुकी हूं मैं और ये बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज शोर मचाने वाला कंपाउंड मैं बन गया मैं बन गया मैं बन गया मैं बन गया मैं बन गया, मैं बन गया, मैं बन गया. ठीक है मैं बन गया तो कुछ पक्का प्रॉब्लम हो रही है इट इज़ अ रिएक्टिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्पीशीज जा जाकर के मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर मैं बन गया कुछ करो कुछ करो एच टू ओ टू बन रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है आपकी बॉडी में आपके सेल के अंदर आप में नहीं ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल के अंदर तो वो घबराहट वाला पॉइंट है कि ये स्ट्रेस हार्मोन है ये स्ट्रेस मॉलिक्यूल है ये बना है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसको करेक्ट कर लो नहीं तो सेल मर जाएगा ठीक है इसको करेक्ट कर लो नहीं तो सेल मर जाएगा कैसे हुआ ये चीज ऑक्सीनाइज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को फिर से फिक्स कर दिया गया इन पेरॉक्सीजोम नाउ दिस ग्लाइट गेट्स कन्वर्टेड इन टू ग्लाइसीन अब ग्लाइसिन तो सुना सुना है क्या है इट इज अ टू कार्बन कंपाउंड ये भी टू कार्बन है बेटा ये भी टू कार्बन है सब दो कार्बन है ये ग्लाइसिन है हमारा दो कार्बन का अमाइनो एसिड शॉर्ट अमाइनो एसिड दैट वी हैव है ना क्या बना लिया हमने अमाइनो एसिड बना लिया ठीक है अब जब मेरे पास अमाइनो एसिड बन गया तो इस अमाइनो एसिड को टू कार्बन कंपाउंड को मैं शिफ्ट कर दूंगी इनटू टू कार्बन कंपाउंड को आई विल शिफ्ट इन टू ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है अब जो भी बात यहां तक हो चुकी है ये रिपीट होगी एवरीथिंग दैट हैज हैपन टिल हियर

जैसा भी बोलो सब कुछ क्या हो गया दो आर यू बी पी दो ऑक्सीजन दो फॉस्फो ग्लाइकोलेट दो थ्री पीजी दो ग्लाइकोलेट दो ग्लाइकोलेट दो ग्लाय दो ग्लाइसिन दो एच टू ओ टू दो ऑक्सीजन तो टोटल तो चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगा चुकी हूं मैं अब तक ठीक है वहां पे रुबिस्को ले आया था पहली स्टेप पे इसलिए गड़बड़ हो रही है ये ये रुबिस्को नहीं करेगा बेटा फिर ऑक्सीजो में रुबिस्को नहीं होता रुबिस्को का साइट क्या है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो वही मिलेगा आपको यहाँ रुबिस्को नहीं है यहाँ ऑक्सीडाइज एंजाइम है इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यहाँ पे जो फिक्स कर रहा है दैट इज ऑक्सीडाइज एंजाइम ठीक है अब सब कुछ इंटू टू हो गया तो मेरे पास ग्लाइसिन भी तो इंटू टू है आई हैव टू ग्लाइसिन दो ग्लाइसिन होने का मतलब दो दो कार्बन के दो कार्बन के दो 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 हैव फोर कार्बन टोटल चार कार्बन है मेरे पास टोटल ये चार कार्बन को कन्वर्ट कराया जाएगा इनटू टू ना सीन इज एन अमाइनो एसिड थ्री कार्बन एक कार्बन का क्या हुआ क्या हुआ भाई क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन इज यूज्ड इन क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीजोम्स ऐसे सवाल आते हैं ग्लाइसिन इज फॉर्म्ड इन पेरोक्सीजोम्स सीरीन इज फॉर्म्ड इन किधर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है तो जब ये बना आपका जब आपका सीरीन बनता है इसका एरो में थोड़ा बड़ा कर रही हूँ बस सीरीन ही बनाएंगे आई एम जस्ट ड्रॉइंग बिगर एरो ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड चर्चा तो निकल गए सीरीन विच इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड बट सिंस इट इज ऑल्सो एन अमाइनो एसिड तो इसके साथ साथ बेटा अमोनिया गैस भी रिलीज होगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मेरे को इतना झोल नहीं है मैं कर लूंगी फिक्स वापस मेरे लिए नाइट्रोजन प्रॉब्लम है आई हैव नो प्रॉब्लम इन फिक्सिंग बैथ कार्बन डाइऑक्साइड तो जाता है तो जाए आई कैन डू इट बट नाइट्रोजन में दोबारा फिक्स नहीं कर पाऊंगी सो अमोनिया को हम रिलीज नहीं होने देंगे हम इसको वापस फिक्स कर लेंगे इन टू एन अमाइनो एसिड ऑक्सीजन नमक है कार्बन डाइऑक्साइड चलेगा का कोई टेंशन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फिक्स्ड बैक बट अमोनिया कैन नॉट बी फिक्स्ड बैक नाइट्रोजन बड़ी मुश्किल से आया पेड़ के पास इतनी आराम से जाने नहीं देगा दूसरे माइनो एसिड में बना देगा इसको इसको नहीं जाने देगा लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस स्टेज पे मेरे पास एक एनर्जी बनती है बेटा एन ए डी प्लस इज कन्वर्टेड इन टू एन ए डी एच टू एन ए डी पी एच टू इज डिफरेंट एन ए डी एच टू इज एंट एनर्जी NADH2 को आप फिर से वही हो जाती है कहानी NADH2 can also be seen as NADH कहीं-कहीं पे NADH ही लिखा होगा तो एनर्जी बनी तो मैं ये बोलना तो गलत हो जाएगा कि एनर्जी बनती ही नहीं है भाई एनर्जी बनती है कहाँ बनती है माइटोकांड्रिया में बनती है NADH के फॉर्म में या NADH2 के फॉर्म में एक ही बात है ठीक है NADH NADH2 NADH H+ एक ही बात है सेरीन को ले आओ वापस सेरीन Enters back into peroxisomes. Now, this is a 3 carbon compound. This is a 3 carbon compound. This serine oga into hydroxypyruvate. Hydroxypyruvate is a 3 carbon compound. This gets converted into glycine. ग्लिसिंग तो आनिया ग्लिसरेट सॉरी ग्लिसरेट नॉट ग्लाइसिन ग्लिसरेट थ्री कार्बन कंपाउंड ठीक है और ग्लिसरेट बनते टाइम एनएडीएच2 जैसी एनर्जी जो वहां बनी थी वैसी सिमिलर एनर्जी इस स्टेप पे यूज हो जाती है तो आई कंज्यूम एनएडीएच2 एंड एन ब्रेक इट डाउन इनटू एनएडी प्लस तो हो होया बपट एक चम्मच चीनी खा भी गए लाए थे तो उतना खा गए पार्टी में आए बर्गर लाया हो मैं बर्गर लाया भाई मैं ही खा गया भाई अपने लिए ले खाना लेके आओ पार्टी में हैं तो गड़बड़ हो जाएगी तो NADH2 की जैसी एनर्जी बनी थी वैसी एनर्जी सिमिलर एनर्जी नॉट एग्जैक्टली द सेम मॉलिक्यूल ऑब्वियसली सेम मॉलिक्यूल नहीं आप यूज कर रहे हो बट सिमिलर एनर्जी एनएडीएच ये यह यहाँ पे यूज भी हो गया सो नेट अंडा एनर्जी नो एनर्जी फॉर्म इज रॉन्ग है ना नो नेट एनर्जी नेट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है नो नेट एनर्जी ठीक है बढ़िया नूव टू ग्लिस वापिस आ गए ग्लिसरेट सारा दुनिया जहान ब्रह्मांड घूम के वापिस तीन कार्बन ठीक है अब ये ग्लिसेरेट को हम एक ए देंगे भाई तू एक एटीपी ले उसको तोड़ एडीपी बन हाँ, और उसका जो इनऑर्गेनिक है ना वो तू अपने थर्ड कार्बन पे लगा ले यार ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे हम इस पे ग्लिसरेट महाशय एटीपी को तोड़ते हैं एडीपी में और उसके इनऑर्गेनिक को फॉस्फेट को लगा लेते हैं अपने थ्री फॉर्फो थर्ड कार्बन पे फॉर्स्टो ग्लिसरेट पे ग्लिसरेट के तीसरे कार्बन पे फास्फेट जुड़ गया जो कि एटीपी के साथ आया था इनऑर्गेनिक फास्फेट को थर्ड कार्बन पे जोड़ दिया दिस इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड दिस इज नथिंग बट 3पीजीए इज नथिंग बट 3पीजीए तो क्योंकि सब कुछ इस रेड वाले सर्कल के अंदर इनटू टू है बेटा तो क्योंकि दो आरयूबीपी यूज किए थे मैंने तो 2 3पीजीए तो यहां से आ गए एक थ्री पी पूरा बेचारा घूम गुम, घुमा के बनाया इसने और ये दोनों किसमें फीड कर दिए जाएंगे बोथ ऑफ देम विल बी फेड दैट इज ठीक है अब देखो दो आर यू बी पी ओवरऑल यूज किया ना मैंने आई कंज्यूम्ड टू आर यू बी पी क्योंकि रेड वाला सर्कल इंटू टू आई यूज टू आर दो आर यू बी पी यूज करती मैं तो मेरे पास चार थ्री पी जी ए बनने चाहिए थे एक आर यू बी पी से दो पी जी ए बनते हैं दो थ्री पीजीए बनते हैं तो दो आर यू बी पी से चार थ्री पीजीए बनने चाहिए थे। अभी फिलहाल मेरे पास कितने हैं दो इधर से आए एक इधर से आए तीन चार की जगह तीन में पच्चीस परसेंट लॉस तो यही हो गया मेरा चार की जगह तीन बन रहे मेरे तो कम कंपाउंड जा रहा है मेरे कैलविन साइकिल में लेकिन मैम कैलविन चल रहा है कैलविन तो चल रहा है कम चल रहा है लेकिन क्या फर्क पड़ता है फर्क ये पड़ता है कि बाहर से कोई नया कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आया है ये ये है प्रॉब्लम और ब, बदले में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया बाहर ये है प्रॉब्लम कैलविन तो चल रहा है और ये पाथ बनाया ही इसलिए गया है कि रूबिस को जानता है मेरी गड़बड़ है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड लेने भेजा था तू ऑक्सीजन लेके आ गया है

कार्बन ऑक्सीजनाइज एक्टिविटी जो है, को की, है ठीक है तो एक काम करते हैं है, भाई थोड़ी एनर्जी लगा के तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाल देना बाहर ताकि वापस कैलविन शुरू हो सके वापस सीथरी मेन साइकिल बन जाए क्यों तब भी सीथरी चलाया जा रहा है जब बाहर से कार्बन आया ही नहीं फिर भी क्यों अपनी ही कार्बन चेन्स को तोड़ तोड़ के तीन कार्बन बना बना के कैलविन चलाया जा रहा है वॉट इज द लॉजिक इन इट क्योंकि अगर कैल्विन नहीं चला तो एटीपी और एन टू यूज नहीं होगा अगर ए और एनएडीपी टू नहीं टूटा तो वापस जी स्कीम पे एन प्लस और एडीपी नहीं पहुंचेगा अगर लास्ट में जी स्कीम में आखिरी पॉइंट पे एन ये ये वहां से नहीं पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा इधर से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा तो इधर से ये रोक देगा ये रोक देगा ये रोक देगा लेकिन लाइट थोड़ी गिरना रुकेगी लाइट थोड़ी ना गिरना रुक जाएगी आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है ये आपकी प्रॉब्लम है लाइट थोड़ी बोलेगी भाई मैं नहीं गिर रहा तो बैठा दे मैंने उसको ये जो एनर्जी बन रहा है पोपट हो जाएगा मेरा क्लोरोफिल जल जाएगा ठीक है एन ए टू यूज होते रहना चाहिए ताकि वापस से एनएडीपी प्लस मेरे पास वापस पहुंच सके ठीक है एंड जी स्कीम कीप्स कीप्स ऑन ऑन वर्किंग वर्किंग योर प्रोसेस ठीक है एंड आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल खराब ना हो तो वैसे कहने को तो बोल सकते हो कि काफी ही वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि कोई एनर्जी बनी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और नेट तुमने एक एटीपी खा भी लिया एनर्जीप्लास्ट बट बट हाँ ये बेवकूफी है रुबिस्को की ऑक्सीजनाइज एक्टिविटी उसकी खुद की बेवकूफी है उसकी वजह से एवोल्यूशनरी बैगेज की वजह से ये चीज फिर से चल रही है लेकिन इसको कॉम्बैक्ट करने के लिए फोटो रेस्पिरेशन नीच टू वर्क आंटीस की रुबिस्को की ऑक्सीजना हटी जाए या फिर थोड़ा एक एडवांस फीचर आ जाए जो कि हमारे सी फोर प्लांट्स ले आए ठीक है सो सी फोर प्लांट्स ने एक अलग तरीके का अडेप्टन किया कि यार मेरे को कैलविन तो चाहिए देख कैल्विन के बिना काम नहीं चलेगा सी थ्री तो चलाना ही पड़ेगा तो साल, जब मेरे पास सीथरी के अलावा कोई यू नो ही नहीं है तो हमें कुछ हेर फेर करना पड़ेगा ताकि फोटो रेस्परेशन ना चले बिकॉज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन फिक्सड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज नो न्यू कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स एट पे इज यूज एंड नो एनर्जी इज फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ठीक है तो ये सारी कहानी को अवॉइड करने के लिए कुछ प्लांट्स अलग तरीके से इवॉल्व कर गए एंड दैट इवॉल्व प्लांट इज कॉल्ड सी फोर प्लांट जिसके बारे में कल बताऊंगी एक सी फोर प्लांट है एक कैम्प पाथवे है और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग है विच वी विल डू इन टूमारोज क्लास एट इलेवन थर्टी ए एम प्लीज बी योर शार्प एट इलेवन थर्टी और जो आज पोर्शन हमने कर लिया है इसके क्वेश्चन और इसकी एनसीआर टी रीडिंग आई विल बी डूइंग टूडे एट एट पी एम ऑन स्पेशल क्लास लिंक आपके चार्ट में ऊपर पिंड है आई विल सी यू इन द इवनिंग दिस इज वे यू विल फाइंड द पी डी एफ ऑफ टूडे एंड येस्टरडेज सेशन दोनों का पी डी एफ मैं यहाँ अपडेट कर दूंगी यू कैन गो फॉर आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन मी फॉर मोर इंटर एक्टिव सेशन फॉर मोर डाउट क्लियरिंग फॉर मोर लेस डिस्ट्रैक्शन एंड मोर क्लासरूम लाइक एक्सपीरियंस इसके साथ साथ अगर आप स्टडी प्लानर वगैरह भी बनवाना चाहते हो और उसमें गाइडेंस चाहिए तो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक क्योंकि आपको मेरे अलावा एक और मिनट और इसमें मिलते हैं ठीक है सो यू कैन यूज कॉमन लाइफ कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन फॉर द मंथ्स अहेड जनवरी में वी आर गोइंग फॉर यू नो प्लान किंगडम प्लान किंगडम मेनली जेनेटिक्स को तो मैं कंटिन्यू करूंगी ही कोड कॉमन लाइफ है एंड इफ यू वॉन्ट सम फाइनेंशियल असिस्टेंस यू कैन गो हैड विद दैट स्पेशल ऑफिस आर गोइंग ऑन सिक्स प्लस वन एंड एटीन प्लस टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले बच्चे इसको ले सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वाले बच्चे इसको ले सकते हैं ठीक है कोड आपका कॉमन लाइव रहेगा यू कैन ज्वाइन मी देर एंड सेकेंड जान को ग्यारह बजे कॉम्बैट स्कॉलरशिप है ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग अगर नहीं किया है तो एक बार देख लेना अच्छे क्वेश्चन है बेटा गुड प्रैक्टिस एटलीस्ट और कुछ नहीं तो फोर्टी फाइव मिनट्स में अट्ठाइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड बदले में कुछ जीतने को भी मिल जाएगा क्या पता ठीक है सो यू कैन गो हैड फॉर दिस सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट्स ऑन अन अकेडमीज लर्निंग ऐप अनलिमिटेड डाउट्स आप पूछ सकते हो इसके एनरोलमेंट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कोड पूछेगा आपसे कोड इज के ओ एम ए एल एल आई वी इन लाइव यूज दिस कोड टू गेट एनरोलमेंट इन टू कोर्सेज एंड ऑन अकेडमी ऐप एज वेल एज यू कैन ऑलसो यूज द कोड टू गेट टेन परसेंट ऑफ ठीक है

मुझे नहीं मुझसे ज्यादा तुमको हो जाएगी एंड इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लेट योर फ्रेंड्स नो दैट वी आर डूइंग सम ऑन डूंगूट्यूब एज वेल एज प्लस कोड इज लाइव थैंक यू सो मच कीप रॉकिंग एंड हैव है नाइस आई विल सी